लिखा हुआ है, तो आप लोगों को हर एक लैंग्वेज का इधर किताब भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इधर पेंटिंग वगैरह बना हुआ है। इधर देखते देखते ये जो वॉल है ये बार बार आते हैं, बहुत बार आई भी है। तो गाइस फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल जूनियर ब्लॉग पे। तो आप लोगों को जैसे कि बताया था कि मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को सब कुछ दिखा नहीं पाया था, जो इधर का कृष्ण गुरु सेवाश्रम का जो वीडियो था। तो आप लोगों को वीडियो का लिंक चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का भी लिंक तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनली सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूँ, तो सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, मुकम्मल चीज वगैरह हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ दिखा चुका हूँ, तो सेकंड पार्ट में देख सकते हैं मेरा पीछे एक है लाइब्रेरी। तो इस आश्रम में आप लोगों को बताया था कि एक आश्रम भी है और एक पार्क भी है। तो पार्क के हिसाब में आप लोगों को सब कुछ व्यू दिखा चुका हूँ, और भी व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा पार्क के हिसाब में और आश्रम के हिसाब में। आप लोगों को कुछ उस उधर में भी आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल चीज वगैरह दिखाया, उधर का जो घर वगैरह है वो सब भी दिखा चुका हूँ। तो फाइनली अभी जो पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में अभी जाने वाला हूँ। तो लाइब्रेरी में किस तरह टाइप का किताब वगैरह होगा और कब ये लाइब्रेरी बनाया गया था, सब कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहेगा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो गाइस अभी आप लोगों को लाइब्रेरी में सीधा लेके जाने वाला हूँ। तो लाइब्रेरी में देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है, मतलब आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि इधर सब कुछ साफ सुथरा से बनाया गया है। तो बाकी आप लोगों को पीछे से इसका व्यू दिखा देता हूँ, तो इस तरह आप लोगों को मिलेगा ये लाइब्रेरी का व्यू चारों तरफ से। तो बहुत ही मुझे जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि लाइब्रेरी का व्यू वगैरह देखी। तो आप लोगों का अभी सीधा अंदर जाके दिखा देता हूँ कि लाइब्रेरी का अंदर कैसा सिस्टम वगैरह बनाया गया है। तो पीछे से आप लोग व्यू देख सकते हैं कितना अच्छी तरह व्यू बनाया गया है। तो अंदर लेके आप लोगों को सब कुछ दिखा देता हूँ। अभी सीधा जाना लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कितना किताब वगैरह इधर मौजूद है। तो ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से किताब से भरा हुआ है, मतलब इतना बड़ा लाइब्रेरी में पहले तो नहीं देख सका हूँ कि मैं अभी अभी ब्लॉग शुरू किया, तो और भी बड़ा अगर लाइब्रेरी होगा तो आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो देख सकते हैं इधर कितना किताब वगैरह मौजूद है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आप लोगों को इधर जितना भी किताब मिलेगा आप लोगों को इधर ये सामने ऐसा कृष्ण गुरु नाम के आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और एक थंबनेल भी है इधर, और थंबनेल भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर एक किताब जितना भी इधर किताब हो गया, हर एक किताब में आप लोगों को एक कृष्ण गुरु मिलेगा। और मैं एक किताब दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका भी ऊपर आप लोगों को कृष्ण गुरु ऐसा नाम मिलेगा। मतलब ये आप लोगों को बताया था कि पहले ही कि ये कृष्ण गुरु आश्रम है, सेवाश्रम है, तो उससे यादगार मैं आप लोगों को इसका भी पहले भी बता चुका हूँ कि उधर जितना भी चीज़ वगैरह हो गया, गेट वगैरह हो गया, उधर गेट में जो भी लिखा हुआ है उधर हर एक चीज में आप लोगों को कृष्ण गुरु नाम लिखा है। उसी तरह इधर भी हर एक चीज में कृष्ण गुरु अगर नाम लिखा हुआ है। पीछे आप लोगों को और भी चीज दिखा देता हूँ, देखिए लाइब्रेरी चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं बैक कैमरा से। तो आप लोग सिर्फ देखिए कि आज लाइब्रेरी इधर कितना अच्छा है। तो मुझे भी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये लाइब्रेरी देख के, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप अगर आप लोगों के उधर भी ऐसा लाइब्रेरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट सेक्शन। तो कैसा लगा लाइब्रेरी जरूर बताइएगा, बाकी मैं आप लोगों को बैक कैमरा से सब कुछ दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए ये लाइब्रेरी का व्यू, आप लोगों को सिर्फ व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि लाइब्रेरी का इधर, मतलब आप लोग इधर आके सीधा पढ़ भी सकते हैं, कोई भी किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के साथ भी आप लोगों का अगर चाहिए कि खरीद के लेना चाहते हैं कि घर में लेके जाके पढ़ूंगा, वो भी आप लोग सकते हैं। तो इधर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसामी से बुक मिलता है, इधर आप लोगों को इंग्लिश में हो गया, हर एक लैंग्वेज में देख सकते हैं। इधर इधर हिंदी से लिखा हुआ है, तो आप लोगों को हर एक लैंग्वेज का इधर किताब भी मिल जाएगा। तो ये लाइब्रेरी बनाया गया था कि 1944 में लाइब्रेरी बनाया गया था। देखिए इधर कुछ इधर काम भी चल रहा है, तो काम जो चल रहा है ये देख सकते हैं कि एक इधर सामने सीधा सामने उधर आप लोगों को पहले वीडियो में गेट वगैरह दिखाया था, ये गेट, तो उसका सामने सीधा इधर एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं। तो स्विमिंग पूल बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा, इसका काम अभी चालू हुआ है। तो इस तरफ देख सकते हैं कि पोखरी भी है, तो पोखरी में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। चले पोखरी मेरे साथ, चलिए पोखरी में चलते। इस तरफ से स्विमिंग पूल से सीधा आ चुका हूँ इधर पोखरी में। तो पोखरी में देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पुराना पोखरी है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोखरी है, ये पोखरी 1944 में बनाया गया था। तो पोखरी में बहुत ही ज्यादा पुराना पुराना मछली है। तो अभी देख सकते हैं पानी देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना पुराना पोखरी है। तो बाकी ये देखिए आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो है, तो आप लोगों को पता है कि कृष्ण गुरु का जो कहानी है, तो उसमें एक लोटस के बारे में बताया गया था। तो उसी यादगार में एकदम पोखरी के सीधा सामने, पूरी के सीधे सामने उधर देख सकते हैं एक लोटस बनाया गया है। तो लोटस तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को वो जो कृष्ण गुरु है
उनका जो इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब इस जो पहनते थे या कुछ बर्तन वगैरह खाते थे, खाना वगैरह खाते थे, जो हमारा प्रभु है, वो प्रभु के बारे में बता दूंगा। तो गाइस ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, तो इसी घर में जो हमारा प्रभु था, तो प्रभु का हर एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कपड़ा वगैरह हो गया, जितने भी बर्तन वगैरह हो गए, सब कुछ इस घर में लगा हुआ है। ऊपर देख सकते हैं कुछ आसाम के कल्चर से कुछ उधर तबला वगैरह बनाया गया है। बाकी इसका नजर आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोगों को घूम घूम के दिखा देता हूँ और इसका हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। तो हमारा प्रभु है, तो प्रभु 1944 में इधर तशरीफ ले थे, इसी जगह में, जो छोटा मोटा जगह है इधर। तो उस वक्त जो इस मिट्टी का रकम था, मतलब मिट्टी था 3 एकड़, तो 3 एकड़ जमीन से लेकर 1944 से लेकर अभी इस मिट्टी का रकम है कि 300 एकड़, मतलब 3 एकड़ से सीधा 300 एकड़ पहुंच गया। मतलब इतना ही लोग इधर डोनेशन वगैरह करते हैं, मतलब एक गुरु है तो एक प्रभु है, तो प्रभु के लिए सब कुछ तो बनता ही है। तो वो बहुत ही ज्यादा नेकदर थे, तो उनके बारे में भी आप लोगों को उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये जो जब घर देख रहे हैं पीछे से, तो इधर ही सब कुछ मतलब गुरु का, प्रभु का जितना भी चीज वगैरह हो गया, सब कुछ इधर रखा हुआ है। बाकी देख सकते हैं कि इधर का व्यू, और पीछे चारों तरफ से ग्लास वगैरह लगाया गया है। तो आप लोगों को फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमको परमिशन नहीं मिला इसका अंदर जाने के लिए। गाइस अभी आप लोगों को घुमा घुमा के व्यू दिखाने वाला हूँ, तो व्यू देखिए इसका। इधर देख सकते हैं कुछ पेंटिंग वगैरह भी बना हुआ है, कि हर दीवार में भी है, इधर पेंटिंग वगैरह बना हुआ है। इधर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से इधर पेंटिंग वगैरह बना हुआ है। इधर देखते हैं ये जो वॉल है, ये जितना भी दूर जाता है चारों तरफ से इधर पूरा वॉल में पेंटिंग वगैरह बना हुआ है। बाकी आप लोगों को एक एक दिखा देता हूँ, मतलब टाइम तो नहीं होगा दिखाने के लिए। आप लोग व्यू देखिए पीछे, ये देखिए कुछ परिंदे वगैरह बनाया गया है, और इधर कुछ मछली वगैरह पेंटिंग बना हुआ है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं अगर इधर से दौड़ू तो दौड़ के भी, मतलब आप लोगों को इतना भी पेंट मिलेगा कि मैं दौड़ के भी आप लोगों को खत्म नहीं कर सकूंगा, कि इतना भी पेंट बना हुआ है। तो पीछे आप लोगों को व्यू देखिए, मैं पीछे का कैमरा से दिखा देता हूँ। आते आते फाइनली पहुंच गया, देख सकते हैं पीछे एक शिविर प्रवेश द्वार ऐसा ऐसा में कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर जो है, इधर लोग इधर जो इधर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, लोग इधर दूर दूर से आते हैं, मतलब सिर्फ आसाम से ही ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत जगह से आते हैं। तो वो लोग इधर आके सीधा इसमें रह सकते हैं, और लोग कितना दिन चाहिए उन लोगों को उतना दिन ही रह सकते हैं। तो आप लोग देखिए अंदर कितना बड़ा है, तो गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा जगह है, मतलब इतना बड़ा जगह मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लोग रहने के लिए। तो फाइनली इन बच्चों से मिल चुका हूँ, कि ये छोटा मोटा भाई है, कि इधर आप लोग इनसे पूछना चाहूंगा कि ये लोग बताएं मुझे कि इनको हिंदी आता है, तो किधर से है आप लोग? मैं आया हूँ सोनापुर से। और आप लोग? तो मतलब ये भाई वगैरह होगा कि सोनापुर से आए हैं, और अभी जो दिखाया कि शिविर, मतलब जो इधर लोग रहते हैं, कि बहुत सारे लोग इधर रहते हैं, तो उधर तकरीबन कितना लोग आ सकते हैं, कितना लोग उधर ऐसा फूल वगैरह होते हैं क्या, मतलब आने के बाद सब लोग उधर रहते हैं, तो उधर चारों तरफ से फूल वगैरह होते हैं क्या? मतलब आधा माधा ऐसा हो जाते है कि इतना बड़ा बनाया गया है, तो उधर तक कवर नहीं होता है कि लोग, मतलब और भी ज्यादा लोग उधर आते हैं, मतलब ऐसा लोग आते हैं, इतना लोग आते हैं कि उधर कवर ही नहीं होता है, मतलब दूसरा जगह उनको उन लोगों को रहना पड़ता है, इतना लोग इधर आते हैं। तो आपसे बहुत ज्यादा मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो आप इधर पहली बार आए या बार बार आते हैं? बार बार आते हैं, बहुत बार आए भी है। मतलब सोनीपुर जो जगह जाते हैं, तो इधर से करीब है, बार बार लोग आते हैं, तो इन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। छोटा मोटा बच्चा है, फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमको, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे इधर दिखाने के लिए। तो बोल दो कि लाइक वगैरह करने के लिए चैनल को, हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना भाई का मतलब ये छोटा मोटा भाई है, तो प्लीज लाइक कर देना। तो आप लोगों को व्यू अगर कैसा लगा जरूर बताइएगा, तो अंदर और भी व्यू है और भी दिखाने के लिए कुछ। तो गाइस इधर का गार्डन देखिए, कि गार्डन कितना खूबसूरत है, गार्डन आप लोगों को सीधा दिखा देता हूं।
तो देख सकते हैं गार्डन वगैरह कितने खूबसूरत है। ये जो फूल है मुझे पता नहीं है कि कौन सा फूल है, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत फूल है, छोटा छोटा फूल है, देख सकते हैं। ये जो है ये आश्रम है, आश्रम के चारों तरफ से लगाए गए ये सब फूल वगैरह हो गया, जितना भी हो गया। ये देख सकते हैं इस घर में मतलब तरह तरह का, बहुत ज्यादा तरह तरह का फूल अगर लगाया गए टाइप्स का। देख सकते हैं उधर जो आप लोग दिखाए थे यही फूल, इधर देख सकते हैं कलर कलर का, इधर ऑरेंज कलर है, इधर येलो कलर है। तो आप लोगों को फूल वगैरह कैसा लगा, इधर का गार्डन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इतना खूबसूरत फूल है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह में होता तो इतना अच्छा नहीं लगता, चारों तरफ से ऐसा फूल लगाए गए, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। तो गाइस अभी सीधा जाने वाला हूँ जो उनका अंतिम संस्कार दिए थे, उधर सामने जो घर बनाया हुआ है उधर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो इधर उन लोगों को जलाया गया था। तो इधर लिखा हुआ है कि ओम नमः कृष्ण गुरु दवाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अभी सीधा अंदर जाकर आप लोगों को सब कुछ दिखा देता हूँ कि उधर कैसा अंतिम संस्कार उनको कैसा उधर रखा गया है, आप लोगों को दिखा। सीधा अभी अंदर जा रहा हूँ, देख सकते है कि ये जो नीचे कैसा मतलब टाइल्स वगैरह से बनाया गया है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा। और इधर एक बात बता देना चाहता हूँ कि इधर ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, इधर पूरा ठंडी है। मतलब इधर का जो एनवायरनमेंट है, इधर का एनवायरनमेंट सिस्टम वगैरह है पूरा एकदम ठंडी है। तो इधर आते आते देख सकते हैं इधर जो मतलब डोनेशन वगैरह डालते हैं, तो डोनेशन डालने के लिए इधर इधर रखा गया है, इधर डोनेशन वगैरह डाल सकते हैं। तो अभी पीछे दिखा देता हूँ कि उनका अंतिम संस्कार कैसा है, आप लोग देखिएगा इसका भी। गाइस देख सकते हैं वो अंदर जो है बनाया हुआ है, उधर गमछा एक ऊपर रखा गया है, तो उधर ही हमारा प्रभु का अंतिम संस्कार है। तो अंतिम संस्कार इधर पूरा अच्छी तरह रखा गया है क्योंकि इतना ही नेकदार इंसान थे। तो इधर से भी आप लोग दिखा देता हूँ कि अंतिम संस्कार इधर से देख सकते हैं, इसका व्यू अंदर रखा गया है। तो आप लोगों को इसका कहानी तो बता ही दिया कि इन्होंने 1944 को इधर आए थे, नॉर्थ ईस्ट में इस जगह में आए थे, उस वक्त से बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपने मजहब को फैलाए थे, इसीलिए आज इतना मशहूर है उन्होंने। तो उनका यादगार में ऐसा अंतिम संस्कार जो उनका अंतिम संस्कार इधर रखा गया है। ऐसे ही था आज का वीडियो। तो आप लोगों को एक बात बताओ तो कि आज मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि आज संडे है, तो संडे की वजह से लोग इधर जमा नहीं होते, कि संडे की वजह से हमारे इधर को जितने भी प्रभु है तो प्रभु ने उनके साथ भिजी थे थोड़ा, इसलिए आप लोगों को सब कुछ दिखा मतलब स्टोरी वगैरह हो गया वो सब आप लोगों को सारी चीज इंफॉर्मेशन दे नहीं पाया। और मुझे जितना पता था कि इधर क्या क्या होते हैं वो तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि इधर कितना चीज़ वगैरह हो गया, उसके साथ मैं आप लोगों को कुछ हिस्ट्री वगैरह भी बता चुका हूँ कि इधर कितना मिट्टी थे वो सब मुझे ज़्यादा नहीं पता था। तो प्रभु से पूछना चाहता था लेकिन उन लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, मुझे बता देते तो ओला और भी जो बहुत ज़्यादा लोग इधर आए थे तो उनके साथ थोड़ा बिजी थे। तो और कोई दिन आके सब कुछ हिस्ट्री वगैरह होगा सब कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक था। तो आप लोगों को बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ क्योंकि एक तो मतलब पहले ब्लॉग शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा जगह जाना पड़ता है हमको, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के सिर्फ एक लाइक के लिए, आप लोगों के एक कमेंट के लिए। आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा एक लाइक करने में, तो प्लीज़ कर देना। अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आज का वीडियो यही तक था, तब तक के लिए मिलते हैं कोई अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।